Assalamualaikum, hello Bangalore, hey Givira, how are you all? तो आज मैं सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ मटन फ्राई सॉरी बीफ मसाला। उसके साथ मैं डालने वाली हूँ आलू और सोई की भाजी। यहाँ मैं आपको दो मीडियम ऑनियन, एक छोटा पंडू जरी खोती मिर्च और डेढ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन और ये हर्ब्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी सीजनिंग है। ये मेरा सेकेंड बॉटल जो मैं ऑर्डर कर गई हूँ, ये मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करी थी। और मैं आलू दाल डाली फ्राई होने के वास्ते, तो मेरे आलू जो ही मैं जो आलू तरकारी में डालती हूँ मैं वैसे बारीक बारीक छोटे छोटे पतले पतले आलू डालती हूँ। आलू हल्के से पूरा ब्राउन हो गए और मैं गोश्त भी ऑलरेडी गला ली। ये रहा गोश्त। अब इसके ऊपर, आलू के ऊपर मैं डालती हूँ मेरा जो गल को है गोश्त, वो आलू और गोश्त पक रहा है, अच्छे से भुने जा रहा है, तो मैं इसमें मिक्स भी कर डाली। अब जो ये पंडू को तीन मिनट जो है मैं इसके ऊपर दाल को दो मिनट लिड बंद कर डालती हूँ, ताकि नीचे जो बीफ और आलू पक रहा है उससे ये ऑनियन और टमाटो और ये खुती में अच्छे से अब्जर्व कर ले। और मैं इसके अंदर जो बचा हुआ ग्रेवी, इसमें जो मैं गलाई थी, जो वो पानी छूटा था सूप जैसा, तो मैं उसमें वो ऐड कर डालती हूँ। अब इसके ऊपर लिड बंद कर को थोड़ी देर से पकने छोड़ दूँ। ये पंडू प्याज खुती में जो है मैं इसे हिलाने वाली नहीं हूँ, इससे जो गोश्त गलाई थी, वो जो पानी था जो सूप था उसका, यहाँ देखो उसके साथ ही दो तीन मिनट तक इसे लिड कवर कर को ऐसा पकने छोड़ डालेंगे। दो मिनट हो गए, इसे से थोड़ा अच्छे से अब मैं इसके ऊपर प्याज पंडू कुटी मिर्च जो था इसे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँ। अब बारी जो भी मसाला है नमक, अब बारी सीजनिंग की। ये छोटे से स्पून से मैं हाफ स्पून ले को हूँ और ये थोड़े से एक चार करेपाक के पत्ते। अब अदरक लहसुन, अब के सारे मसाले, अदरक लहसुन डेढ़ स्पून डाल को हूँ, रेड चिली पाउडर एक स्पून, क्योंकि तो मेरे बच्चे खाती हैं तो मैं ज़्यादा टेस्ट प्रिफर नहीं करती। आपको तुमने कितना तेज़ डालना है तुम्हारे हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो एक टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो अब मैं अदरक लहसुन लाल मिर्च और नमक आपके हिसाब से मैं यहाँ आधा स्पून डाल को हूँ। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। जब भी ये ज़रा पकले को आता है और थोड़ा थोड़ा पानी छूटता है, तब मैं इसके अंदर मेरी सोई की भाजी डालती हूँ, ताकि मेरी बीफ मसाला फ्राई अच्छा सा फ्लेवर्स सबके फ्लेवर्स अच्छे से आए। तीन टेबलस्पून कर्ड, बस तीन टेबलस्पून, देखो हिसाब से बस तीन चमचे डालो। अभी अच्छे से पक गया, क्योंकि तो गोश्त ऑलरेडी गल को था और उसका पानी छूटा, फिर प्याज के साथ दो मिनट पकने छोड़े थे, फिर इन्हें अच्छे से पक गया, मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए। अब बारी सुइंग की भाजी डालने के बाद, मिक्स करने के बाद एक पाँच मिनट में रेडी हो जाता है। होगा माशाल्लाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही, मसाले सब मिक्स हो गए, टेस्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी बनाओ और अच्छे से कमेंट करो कैसा बनाए, कैसा था टेस्ट, कैसा आया। तो मेरे यूट्यूब में तो कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरे इंस्टा में जाओ और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे इंस्टा में मैसेज करो, जो भी वीडियो ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब ये थाल रेडी हो गई, कुछ नया ट्राई करी थी, तो मैं कुछ नया मेरे सब फ्रेंड्स कज़िन फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी दो मिनट, वाओ स्मेल गुड। अभी दो मिनट के वास्ते इसे स्लो में दम कुछ छोड़ डालो।
वेल माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। रेडी टू सर्व, तो ये मेरी फाल रेडी हो गई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना भूलो न को। एंड आज जैसे कि 1st of January 2022 है, हैप्पी न्यू ईयर सबके वास्ते। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।